इस वक्त पटना के अटल पथ पर हैं। आपको बताया आपका गाड़ी सामने में लगा हुआ है, सामने में गाड़ी एक खड़ा है, कब से खड़ा है, जो कि खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो पार्किंग नहीं है। जी जी जी। रोड यहाँ से क्रॉस करके लोग जा रहे हैं, आप बताइए उनकी मजबूरी है या क्या बोल सकते हैं, व्हाटएवर, लेकिन फुटओवर ऐसे चालान काट रहा है, देख रहे हैं सारा गाड़ी का फोटो आ रहा है, एक बार क्लोज होकर दिखाइए थोड़ा सारा। भी जो मोटो ब्लॉगर हैं वो लोग इसी रोड पे बड़ा तेज चलाते हैं, 150-200 स्पीड, उनको कहाँ चलाना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। अरे ऐसे लोग भी हैं जो इतना स्पीड में जा रहे हैं कि नंबर प्लेट दिखता ही नहीं है, कैमरा फेल है उसके सामने। इस वक्त पटना के अटल पथ पर हैं, आपको बता दें हम कि सांसद का गाड़ी हो, विधायक का गाड़ी हो, किसी भी नेता मंत्री का गाड़ी हो, चालान कटने से नहीं बच सकता। इसलिए नहीं बच सकता क्योंकि ऑटोमेटिक चालान सिस्टम है। जब आप देखेंगे कि चालान कैसे कटता है, इसमें जो दो सिपाही यहाँ पे लगाए गए इनका कोई काम ही नहीं है। कहने का मतलब कि मशीन लगा दिया गया है, ऑटोमेटिक चालान काट काट करके भेज दे रहा है। कितना भी रिक्वेस्ट इनके पास आप कर लीजिए, कोई संभव नहीं है कि आपका चालान बच जाइएगा। अगर आप स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं, स्पीड लिमिट सामने 80 का लगा हुआ है, कहीं कहीं 60 का लगा हुआ है, कहीं कहीं 40 का लगा हुआ है। पटना का फेमस रोड अटल पथ से इस वीडियो को दिखा रहे थे आपको हम। बाकी यहाँ पे देखिए मशीनरी लगा हुआ है, स्पीडोमीटर है, यहाँ पे टेस्ट करता है कि गाड़ी का स्पीड कितना है। अगर ओवर स्पीड है ऑटोमेटिक चालान काट के भेज देता है। एक बार अंदर से आइए, इधर घुमा के दिखाइए कि चालान आखिर ये काट कैसे रहा है। इसमें देखिए कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, देखिए कैसे चालान काट रहा है। देख रहे हैं सारा गाड़ी का फोटो आ रहा है, एक बार क्लोज होकर दिखाइए थोड़ा, सारा गाड़ी का फोटो यहाँ पे दिख रहा है। जो भी गाड़ी अगर सामने से आ रहा है, अगर ज़्यादा उसका स्पीड है, स्पीड अगर ओवर होता है, ऑटोमेटिक चालान काट लेता है। बाकी गाड़ी में दिखाइए कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं है। देखिए साहब लोग बाहर खड़े हैं, कहने का मतलब कि गाड़ी का चालान जो है ऑटोमेटिक कट जाता है। सर जो गाड़ी सामने अभी खड़ा है या फिर जो गाड़ी बहुत तेज आ रहा है, तो जो खड़ा है वो भी तो वहाँ पर वो सिग्नल तोड़ रहा है, मतलब कि ये भी रोड का पालन नहीं कर रहा है। जो भी सिग्नल तोड़े या ओवर स्पीड है, वो सभी लोगों को कैमरा कैच करेगा। अब देखिए आपका गाड़ी सामने में लगा हुआ है, सामने में गाड़ी एक खड़ा है, कब से खड़ा है, जो कि खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो पार्किंग नहीं है। जी जी जी। उसका चालान नहीं कटेगा सर? हाँ जो उसमें आ गया फॉल्ट वो कट जाएगा। अच्छा, जो फॉल्ट आ गया कट जाएगा, बाकी ये स्पीड जांच करके यहाँ से चालान होता है। बाकी बिहार पुलिस का गाड़ी है, इनोवा है, बड़ा चकाचक है, लेकिन यहाँ का चालान कटने के बाद ये पैसा कहाँ जाता है, कहाँ वेस्टेज होता है, ये बड़ा बात है। एक सवाल ये है कि चालान कटता है, चालान में बहुत ज़्यादा मोटा रकम का चालान कटता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक नहीं किया जाता है। गाड़ी लगा के चालान तो कट रहा है, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि स्पीडोमीटर लगा के चालान भी कट रहा है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। फोर व्हीलर रख लिए हैं लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं सर, ये बात सत्य है ना सर, बहुत लोग नहीं जानते कि इससे चालान भी कटता है। जानबे करते हैं, कैसे नहीं जानते हैं, लोगों को तो जानकारी है ये ना है इस मैटर में। जब गाड़ी लगता है तो लोग तो समझते हैं जो यहाँ पर ही लगा हुआ है स्पीड मीटर, तो उनको तो जानकारी है ये है। अच्छा, बाइक वगैरह का भी स्पीड जांचता है? सारा चीज का इसमें होता है, बाइक का भी, कार का भी, बाइक कार सब। रात में सर ये मतलब फोटो अच्छा से नंबर प्लेट का ले लेता है? सब चीज ले लेता है, सब ले लेता है, सब ले। बाकी हमारे साथ जो है ना शांतन भैया है और ये बाइक सुबह चलाते हैं और काफी जानकार है रोड के मामले में, सेफ्टी के मामले में। थोड़ा इधर आ जाइए ताकि हम जो है ना बिहार पुलिस का ये जो गाड़ी है जो चालान काट रहा है, पैसा कहाँ वेस्टेज जाता है। हालांकि आप रोड पे हमेशा रहते हैं, क्या क्या सामना करना पड़ता होगा लोगों को? देखिए रोड पे ना बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे कि कोई बीच में आ गया, अभी जस्ट हम लोग देख भी रहे थे वो कैमरा में नहीं आ पाया। अभी आप 5 मिनट यहाँ पे खड़े रहेंगे ना, तो कोई ना कोई आदमी उधर से क्रॉस करके बैरिकेड पार करके इधर आने का कोशिश करेगा और आता भी है। और ये कौन सा एरिया एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट ये अटल पथ है, अटल पथ है। अभी साइकिल लेके बंदा उधर आया, हम लोगों को देखा कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा है, वो वहाँ रुक गया, ठीक है, फिर वो आया जब हम लोग रिकॉर्डिंग करना चाहते। तो बहुत सारे चैलेंज है, अगर मान लीजिए मैं ही सामने से आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि सामने कोई साइकिल लेके आ जाएगा तो क्या हो सकता है, फिर तो दिक्कत होगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बहुत सारा समस्या है, एक दो समस्या नहीं, हजारों समस्या है जिनके ऊपर काम करना होगा। सिर्फ एक स्पीड को रोकने से काम नहीं होगा, हेलमेट भी पहनाना है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक बंदा स्पीड चल रहा है और कोई एक आदमी पूरा हेलमेट वेलमेट सब पहन के चल रहा है, लेकिन वो स्पीड वाला बंदा इस हेलमेट वाले को कुचल देगा तो मर ही जाएगा ना बंदा, तो सबको समझना होगा इस चीज को। आप इतने बड़े चैनल चलाते हैं, बाइक्स पे आपका चैनल है और काफी ज्यादा आपने बाइक का वीडियो किया होगा, ओवर स्पीड भी चलाया होगा या फिर आपके दोस्त साथी? तो इसमें बोला है, मैंने हमेशा बोला है कि स्पीड चलाना गलत बात नहीं है, और लेकिन जगह होना चाहिए उसके लिए। यूपी के सीएम भारत जो अपना मोटो जीपी भारत हुआ था उसको प्रमोट करने आए थे, वहाँ 450 की स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन वो एक सर्किट है, वहाँ लोग चलाते हैं क्योंकि वहाँ चलाया ही जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिखाइए एक बार, ये रोड यहाँ से क्रॉस करके लोग जा रहे हैं, आप बताइए उनकी मजबूरी है या क्या बोल सकते हैं, व्हाटएवर, लेकिन फुट ओवर ब्रिज दिया गया है, अब तो फुट ओवर ब्रिज बन गया है, लेकिन हर जगह नहीं है फुट ओवर ब्रिज, क्या कर सकते हैं,
वो लोग भी मजबूर है। अब इधर भी दिखाई ना, हम लोग को देख करके यहाँ पे गाड़ी सामने रोक दिया गया, जिनको यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए गाड़ी है, क्या कर सकते हैं। देखिए मैं यही बता रहा हूँ कि जो रोड क्रॉस कर रहा है उससे उसको इधर से इधर आना है, अब वो एक किलोमीटर दूर पैदल चल के तो नहीं जाएगा क्रॉस करने के लिए। तो ये एक हाईवे है जो कि बॉन्डेड है, अगर दोनों तरफ से बैंड भी है ना, तो लोगों को तो आम जन को भी प्रॉब्लम होता ही है। मतलब इस हाईवे से भी किसी को प्रॉब्लम हुआ है, किसी को फायदा हुआ है, लाखों लोगों को फायदा हुआ है कि हम लोग अटल पथ से डायरेक्टली मरीन ड्राइव तुरंत पहुंच जा रहे हैं हाईकोर्ट से, और कुछ लोगों को ये घटा हुआ है कि वो लोग इधर से उधर जान पे खेल के आ रहे हैं। तो बहुत सारा एक सवाल है, ये जो है स्पीड जो है ओवर स्पीड होने के बाद चालान करता है, जितने भी जो मोटो ब्लॉगर है वो लोग इसी रोड पे बड़ा तेज चलाते हैं 150-200 स्पीड, उनको कहाँ चलाना चाहिए, कैसे बचना चाहिए? वो लोग ना एक्चुअली वो लोग एक नंबर प्लेट यूज करता है जो कि उसका वो नंबर प्लेट फ्लिप कर जाता है, नीचे फ्लिप हो जाता है जिससे कि नंबर ही आगे का नहीं दिखता है। बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं जो नंबर प्लेट के बिना ही गाड़ी चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इतना स्पीड में जा रहे हैं कि नंबर प्लेट दिखता ही नहीं है, कैमरा फेल है उसके सामने। बहुत सारी ऐसी बाइक्स हैं 1000 सीसी, 2000 सीसी, 1800 सीसी की हार्ले डेविडसन बाइक्स अपने पटना में आ गई हैं, वो लोग चलाते हैं तो वो लोग देखते नहीं है फिर वो लोग। लेकिन ये तो पटना पुलिस जो है ना, बिहार पुलिस दावा करता है कि इससे कोई नहीं बच सकता है। नहीं नहीं बच सकता है, आप अगर ऐसा चैलेंज किया जाए तो हम तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बट रोड को खाली करवाना होगा, मैं तो तोड़ दूंगा इसको। ये बहुत ये नहीं है जेट फाइटर का मतलब, आप मोटो ब्लॉगर हैं, आप चाहिए अगर इसका जो सिस्टम वो फेल्योर कर दीजिएगा, इतना तेज टपिएगा कर सकता है। अगर मान लीजिए कि दो बड़ा लाइट सामने में, फोर व्हीलर के सामने दो क्लियर वाटर या बढ़िया कंपनी का दो बड़ा व्हाइट लाइट लगा दिया जाए, उसको ऑन करके आए तो ये रिफ्लेक्शन सही गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बाकी जो लोग ओवर स्पीड चलाते हैं ये आम आदमी नहीं कर सकता है, उसके लिए ये चाहिए बहुत। अच्छा, जितने मोटो ब्लॉगर हैं जो ओवर स्पीड चलाते हैं उनको कहाँ चलाना चाहिए, उनके लिए कोई जगह होगा ना? मैं बता रहा हूँ, देखिए दिल्ली में अपना सर्किट बना हुआ है, चेन्नई में है, हर जगह है। अगर स्पीड चलाना है तो सर्किट पे जाके चलाओ, अगर अच्छा वीडियो बनाना है तो यहाँ तो सबका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पटना ट्रैफिक पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे ब्लॉगर्स को पकड़ के उन्होंने एक्शन लिया। अभी लास्ट में मैंने देखा अभी कि एक एक्शन लिया गया, उस ब्लॉगर को पकड़ के लाया गया, उस पर माफी मंगवाया गया, क्योंकि वो ऐसा वीडियो बना रहा था खड़ा होके, फिर रील बना रहा है वायरल होने के लिए। तो वैसे कार्य के लिए मैं पटना पुलिस को सराहना देता हूँ, लेकिन उनसे भी कार्रवाई करने की मांग करता हूँ जो घूस लेके 100-200 रुपए लेके जो छोड़ रहे हैं, चालान नहीं ले रहे हैं, घूस लेके छोड़ रहे हैं, ताकि उससे तो रोड सेफ्टी पे सबसे ज्यादा खतरा है। अगर आप 100-200 रुपए लेके किसी को छोड़ रहे हैं तो किसी के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई बिना हेलमेट के चलाऊं, और बढ़ता जाएगा करप्शन बढ़ेगा, तो लोगों में खतरा है ना। अगर मान लीजिए आपको पता चल जाए कि 100 रुपए में पटना पुलिस अगर लेके कहीं भी चालान बिना चालान के आपको छोड़ देगी, तो आप कल से हेलमेट पहनना छोड़ दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हेलमेट नहीं पहनोगे तो आप अपने खुद के जान का नुकसान है। यहाँ लोगों को ये समझना होगा कि पटना पुलिस आपके लिए नहीं, खुद के लिए, मतलब आपके खुद के लिए काम कर रही है। बट मैं अगेन यही बोलना चाहूंगा कि अगर रोड सेफ्टी का ये जितना पैसा आप लोग ले रहे हैं उसको सही ढंग से सही जगह पे खर्च करिए, एडवर्टाइजमेंट में खर्च होना चाहिए, जागरूकता में खर्च होना चाहिए, हर चीज में खर्च होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से पैसा लिए और किसी भी चीज में खर्च कर रहे हैं, इसका पैसा इसी चीज में खर्च होना चाहिए। अगर आपको सही में चिंता है, जो कि नहीं है, पटना ट्रैफिक पुलिस को चिंता नहीं है कि रोड पे लोग मरे या ना मरे, उनको चिंता है बस चलाना है। अगर सही में चिंता है तो इसका पैसा उसमें लगना चाहिए, ठीक है? बाकी शांतन भैया बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव बात बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको बता दें कि इस मशीन से कोई नहीं बच सकता, चाहे नेता, मंत्री, विधायक, चाहे काहे या फिर सीएम क्यों ना हो या फिर तेजस्वी यादव क्यों ना हो, अगर इस रोड से अगर ओवर स्पीड करके टपेंगे तो वो भी नहीं बच पाएंगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।